now we will see during play what kind of skills students should learn. so students in early childhood setting develop diverse skills through play. play describes a significant component of early childhood programs as it provides opportunities to express their feelings and ideas, symbolize and gauge their knowledge of the, wor of the world and obtain effective support of, for pre-academic and academic learning. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बच्चे जब खेल रहे हैं तो वो हर तरह की स्किल को यूज कर रहे हैं चीजों को काटना चीजों को पकड़ना चीजों को जोड़ना खेड़ना हर तरह की जो स्किल है वो यूज कर रहे हैं फिर वो साथ में जज्बाती तौर पर भी इन्वॉल्व हैं उनके फीलिंग और आइडियाज अच्छा मैं इसको ये कर सकता हूँ ये जो मेरा जो बच्चा है या जो भी उसने वो किसी करेक्टर को बनाया हुआ है ये इस वक्त जो है वो खाना बना रहा है वो अपने भाई को साथ लेके बाज़ार जा रहा है वो मार्केट में है वो इस वक्त कुछ चीज़ें बेच रहा है और ये दूसरे से ये कह रहा है वो ये इससे कह रहा है तो उसका जो जो उसकी मेंटल थॉट स्किल्स हैं लॉजिक स्किल्स हैं वो भी साथ साथ में डेवलप होती रहती हैं फिर ये कि आप देखिए बच्चा एक पूरी तस्वीर उस खेल की बनाता है यानी सबसे पहले तो ये कि वो उसको प्लान करता है मुझे क्या करना चाहिए आओ हाइड एंड सीख सीखे आओ हम किकली कि खेलें वो इस तरह से उनको पहले वो प्लान करते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं अच्छा मैं एक घर बनाता हूँ तुम मेरे पास आना फिर हम यूं करेंगे ये कभी आप बच्चों को स्टोरी बनाते हुए देखिए आप तो शायद स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं कि नहीं वो पहले से एक स्क्रिप्ट पूरा सोच लेते हैं कि हमें क्या करना है फिर उसके मुताबिक किरदार होते हैं फिर वो किरदार आकर वही वही रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं तो जो एक प्लानिंग की स्किल है फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन की स्किल है फिर जो इर्द गिर्द के रिसोसेज हैं उनको वो किस तरह से इस्तेमाल में लाते हैं अच्छा ये मेरा घर हुआ करेगा ये मेरा घर है और तुम यहाँ से आओगी फिर मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी फिर आप मेरी मेहमान बनोगी ये वो सारी चीज़ें हैं जो बच्चे प्री प्ले में कर रहे होते तो काफ़ी स्किल्स इसमें और हाँ हम ये असल में बता इसलिए रहे हैं कि जो उस हैं उनको ये कुछ खास लर्निंग आउटकम्स हैं जैसे मैथ में थे या लैंग्वेज में थे या सोशल स्टडीज़ में थे वर्ल्ड अराउंड अस में थे तो वो भी कुछ इस तरह का सामान उनको जब मुहैया करेंगे कि अच्छा आओ आप खेलें तो फिर उससे रेलिवेंट ही उनके अंदर स्किल्स जो हैं वो डेवलप होंगी अच्छा प्ले एनहैंस चिल्ड्रंस कल्चरल डेवलपमेंट भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे हमने अर्ज़ किया कि अगर हम ये समझते हैं कि हमारे जो बच्चियाँ और बच्चे हैं वो ख़ास किस्म के कि हमारे मुस्लिम कल्चर को या जो भी कोई और नेशन होगी या कोई और रिलीजन होगा तो सब ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अपने रिलीजन के मुताबिक उनकी तरबियत करें तो उनके जो करेक्टर्स हैं उनमें ख़ास तौर पर वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं तो इससे क्या होता है कि वो अपने कल्चर को डिपिक्ट कर रहे होते हैं अच्छा अब बाबा जो हैं वो दफ्तर से आ रहे हैं या वो काम से आ रहे हैं तो वो फ़्राम बच्चे को प्यार करेंगे फिर वो ऐसा होगा फिर वैसा होगा फिर मामा जो है वो हमारे लिए खाना बना रही होंगी या मामा हमारे लिए ये काम कर रही होंगी तो जो जो उनके पेरेंट्स कर रहे हैं वो उसको डिपिक्ट करते हैं उनके घर के बाहर कैसा माहौल है उनके पार्क्स में कैसा माहौल है उनके इर्ट गिद क्या हो रहा है वो सब जो वो ऑब्ज़र्व करते हैं वो यहाँ पे वो करेंगे ऐसी सूरत में उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी उनको वोकैबुलरी आएगी वो वर्ड्स जो वो आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो 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 सुन लिए और उन्होंने अपने जहन में महफूज कर लिए और अब वो उनको बताने की कोशिश कर रहे होंगे तो क्या होता है कि वो अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल करना भी सीखते हैं मसलन खेल के दौरान अगर वो किसी एक रोल को अदा कर रहे हैं जैसे वो माँ या बाप का है या पियर का है या डॉक्टर का है तो फिर वो डॉक्टर की तरह ही बिहेव करेंगे ठीक है अब वो जो उसके अंदर इमर्स कर जाना है किसी कैरेक्टर के अंदर उसका मतलब ये है कि ना सिर्फ वो उसको अपने अंदर ला रहे हैं बल्कि जो जो चीज़ें उन्होंने जहाँ जहाँ ऑब्जर्व की हैं कि जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो मुंह में स्टिक रखता है वो इंजेक्शन लगाता है वो बुखार चेक करता है तो वो ये सारे काम वैसे ही करेंगे और इस तरह से उनके जो आम तौर पे जो जज्बात हैं वो कंट्रोल्ड सिचुएशन में सामने आएंगे क्योंकि वो इस वक्त एक बच्चा नहीं है वो इस वक्त एक डॉक्टर हैं या अगर कोई बच्ची अपनी छोटी गुड़िया को के मुंह में फीडर डाल रही है उसको पेम्पर लगा रही है उसके कपड़े बदल रही है तो वो उस वक्त एक कंट्रोल्ड सिचुएशन में मदर का रोल अदा कर रही है तो जो वो रोल अदा कर रही है तो उसमें वो एक बच्चे की तरह बिहेव नहीं कर रही बल्कि एक एडल्ट की तरह बिहेव कर रही है तो ये यहाँ से सीखते हैं वो अपने आप को और अपने जज्बात को कंट्रोल करना और फिर एक बड़ी दिलचस्प बात यह है जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था कि बच्चे खेल के दौरान खुद कलामी भी करते हैं इसको हम मोनोलॉग कहते हैं खुद से बोलते हैं और ये जो इनका खुद से बोलना है ये बहुत अहम है क्योंकि उनके जहन में जो कुछ चल रहा होता है वो क्या सोच रहे हैं उसकी बैकग्राउंड क्या है क्यों सोच रहे हैं ये सारी बातें वो बोलते चले जाते हैं अब ये फलाना ये कर रहा है फला करेक्टर ये कर रहा है गुड़िया जो है वो अप, अपने बच्चे से ये कह रही है को उसका ड्रेस बड़ा अच्छा है वो बड़ी प्यारी लग रही है वो अब घर से बाहर जाएगी वो अब खेलेगी वो अब पार्क में है तो ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ जो वो बता रहे होते हैं वो इंटरनली जो वट वट दैट इज़ हैपनिंग एक्चुअली विद इन देयर माइंड दे आर एक्चुअली डिपिक्ट तो जो उनकी इंटरनल सूरत हाल है उसको भी वो बताते हैं ऐसे में हम एक बेहतर और पॉजिटिव सोच डिवेलप करने में अपने छोटे बच्चों की मदद कर सकते हैं